पापा कब रहते थे अपन लोग इधर? अरे पहले पिताजी लोग रहते थे यहाँ पर, जब से तालाब बन गया, बांध बना, तो यहाँ से अपन लोग फिर दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए। अच्छा, इसलिए ये देखो अपना खरबूजा कितना बड़ा बड़ा हो गया है, बस इंतजार है इसको पकने का। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अज्जू भैया कुल पहाड़। तो अपन लोग चलते हैं आज अपने खेतों को देखने। अपने खेतों में इस समय खरबूजा बोआ हुआ है और सिवा आया था अभी फ्रूटी लेने, तो सिवा की फ्रूटी आने आने ले ली है। कल हमने मेरे को बोलेरो में बैठी थी बिल्लू, तो आन्या ने ले ली है सिवा की ये फ्रूटी। सिवा मचल के चला गया है, भले ही बड़ा है लेकिन बहुत कंजूस है, अपनी छोटी बहन से प्यार भी नहीं करता। चारों चश्मे में न्यू लाया था परसों के दिन, तो कल एक तो आशा का है ये वाला, ये मैं पापा के लिए लाया था, ये मैं कल लगा चुका हूँ जब महुआ अपन लोग पराठे खाने गए थे। इसको लगा के देखते हैं कैसा लग रहा है, आप लोग बताना। मुझे चश्मों का बहुत शौक है, मैं हूँ चश्मे का शौकीन। और गाने में तो वो कहते हैं मैं चश्मे का हूँ शौकीन, चश्मे रखता हूँ 2-3, लेकिन मैं रखता हूँ 50-49 हैं ये 49, एक के ऊपर एक लदे हुए हैं, ये चल जाएगा। अच्छा लग रहा है ना, चलते हैं फिर। मेरी दाढ़ी बढ़ गई है तो कल अपन दाढ़ी सेट करेंगे, इसका भी ब्लॉग बनाएंगे। आज गुरुवार था तो अपन ने दाढ़ी नहीं बनाई थी, मैं अपनी दाढ़ी स्वयं बनाता हूँ। आप ही निकालो, पापा भी तैयार हैं। पापा ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली, उनको फुल सेट नहीं पहननी थी। हम लोग जा रहे हैं तो अन्या भी फुल मूड में है कि दादू और पापा हमको ले कर चले जाएँ, लेकिन इसको कोई ले नहीं जाएगा। अन्यदा देखना, चलना है आपको, चलना है, नहीं ले जाना आपको। मैं क्यों हंस रही हूँ पागलों की जैसे? देखो दादू गाड़ी निकाल रहे हैं ना, अन्य निकाल रहे हैं ना, हम और दादू लोग तो जा रहे हैं। जाओ अंदर, जाओ अंदर, जाओ अंदर लो, जाओ मम्मी। आजा आजा, बाय अन्या, बाय। ये हमारा गांव शुरुआत हो गया है, ये पहला घर है गांव का, खुड़े बोलते हैं इसको। एक और भी पीछे, लेकिन पहले यही बना था इधर। और अब चलते हैं गांव में अंदर की ओर। ये कुलपहाड़ से 5-6 किलोमीटर है, सेला बोलते हैं इसको, अर्जुन बांध भी बोलते हैं, सेला गांव बोलते हैं। हमारे दादा लोग पहले यहीं रहते थे, फिर पापा लोगों का जन्म भी कुलपहाड़ में हुआ है, लेकिन दादा लोग सेला के हैं हमारे। की किया पापा गाड़ी गाड़ी ले ली थी।
राम राम टक्कर राम राम जिनके पापा ने और हमने पैर छुए हैं वो हमारे दादा के भैया हैं, तो हमारे वो भी दादा ही हुए। और ये हमारा पुराना मकान है, इधर कोई रहता नहीं है ना कोई आता है। तो ये वहाँ से लेके जहाँ से वो साइकिल रखी हुई है वहाँ से, और ये खंडे डले हुए इस तरफ जो चलो बैठो हाँ पधारो चलो पापा। अभी क्या काम चल रही है? राम राम एक ये भी हमारा खेत है, इसमें मटर बुआ हुआ था तो ये साफ हो चुका है। हमारा नजारा है बिल्कुल खेतों से लगे हुए तालाब, सीन चल रही है पानी की, खरबूजा में पानी लग रहा है जिसको खरबूजा भी बोलते हैं चिमड़ी भी बोलते हैं, वही बुआ हुआ है अपना भी, सब लोगों को खिलाएंगे। अभी जो खरबूजा चिमड़ी मार्केट में आ रही है तो उसको मत खाएं, वो कच्चे अच्छे फलों को भूसा भूसा में रख के पका देते हैं जिसको पाल बोलते हैं, पाल में लगा के, क्योंकि सबसे पहले शायद अपने ही फल आएंगे। तो अभी चिमड़ी पकी नहीं हुई है, अभी सब खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं खाने के लिए। ये पानी जा रहा है अपने खेतों में थे अपना वहाँ तक तो मैं बोया था ताकि जब सबकी चिमड़ी ख़त्म हो जाएंगी तब इसका रेट हाई मिलेगा अपन को। अपना खरबूजा कितना बड़ा बड़ा हो गया है, बस इंतजार है इसको पकने का, बहुत जल्दी पकेगा। ये थे अपना बमूरे के वहां था, देखो हमारे खेतों में चैत में भी हरियाली है, सारे खेत हमारे हरे हरे दिख रहे हैं एकदम ग्रीन ग्रीन। अभी यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, जिस दिन से फल टूटने लगेंगे तो एकदम रौनक सी रहेगी, यहाँ पे मार्केट सा लगा रहेगा, रोज 50 पिकअपें आएंगी माल खरीदने के लिए, फिर यहीं से खरबूजा टूट के जाएगा सतना रीवा इंदौर भोपाल जितने भी आसपास के सारे गाँव वहाँ पड़ते हैं सब कहीं यहीं से जाता है माल। इसको बोलते हैं हमारे खेतों को अर्जुन बांध। ये हमारे भैया जी ककड़ी लाए हैं खाने के लिए आप लोग भी खाएंगे क्या? वो
ये भी अपने खेत डले हुए हैं इस तरफ, ये नीचे दिख रहे हैं। जो मंदिर बना हुआ है तो इसको पुराना गांव बोलते हैं, जो सेला गांव है हमारा। तो पहले पूरा गांव यहां पे बसता था, यहां पे रहता था। तालाब भरने की वजह से सब लोगों को यहां से वहां कर दिया गया था ट्रांसफ़र। अब सब लोग गांव में वहाँ रहते हैं। पहले यहीं पर हम सब लोगों के मकान थे, ये मंदिर था यहाँ पर। ये दादा लोगों की समय की बात है, लेकिन क्योंकि हमारे पापा लोगों के जन्म भी वहीं कुलपहाड़ में हुए हैं, लेकिन दादा लोगों ने यहाँ रह लिया है। जितना दिन भी रहा हो, छोटे छोटे थे दादा लोग तब यहाँ से चले गए थे। तो चाल ही बदल गई, अपने हाथ में सिंगार आ चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जी वो पैर से निकाल के हाथ में क्यों ले लिए, तो इनकी भी एक वजह है, वो आप लोग कमेंट में बताना क्यों उतार ली हैं। ये अपन मंदिर के पास आ चुके हैं। नो पौधे के आप लोगों को फल ढूंढने नहीं मिलेगा। ये अपना 10 दिन में पक जाएगा और 10 दिन में अपन लोगों को खाने को यहाँ खरबूजा मिलने लगेगा। पुराने निवास, यहाँ पे पानी भरने की वजह से हम लोगों को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये इसके जस्ट बगल से हमारे खेत हैं, वो भी। चलो हम आपको अपना निवास दिखाते हैं, पहले इनको पहन लें क्योंकि इनके बिना जाना उधर डरदार है। बाबू चलो तो चल के अपना घर दिखाते हैं आपको। ये इधर पे खाना पीना होता होगा, यहाँ पे रहते होंगे। ये देखो कमरे, ये गिर चुके हैं इधर के, जो भी डलता हो पहले चूना का लेंटर वगैरह। ये भी इधर मकान थे। ये पापा आ रहे हैं अंदर। है पापा? हाँ, ये खंडर हो चुका है इधर का, पुराना निवास है हम लोगों का। ये जीना है, काम चलाऊ। पापा पहुंच चुके हैं छत पर, चलो अपन भी चलते हैं। पापा फोन पकड़ लो। आजा बाबू, ये है हमारा आलीशान महल। यहाँ पे रहते थे हम लोग। पापा कब रहते थे अपन लोग इधर? अरे पहले पिताजी लोग रहते थे यहाँ पर। जब से तालाब बन गया, बांध बना, तो यहाँ से अपन लोग फिर दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए। अच्छा, इसलिए सब छोड़ छाड़ के अब दूसरी जगह रहने लगे। तो मतलब दादाजी लोग रहे होंगे कुछ दिन इधर ना? हाँ, दादाजी लोग रहे। और भटेरा भी पुराना अलग बसा था। ये अपना सेला है। ये पुराना सेला कहलाता है। अच्छा, तो यहाँ सब पूरा गांव यहीं रहता था। तो गांव के मकान कच्चे थे, सब गिर चुके हैं। ये पुराना अपना मकान, ये बहुत पुराना था और ये पक्का बना हुआ था उस समय। अच्छा, तो ये अभी साबित है। ये देखिए आप लोग, देखने लायक दृश्य। ये अपना पुराना मकान है, आप लोग इसको देख सकते हैं। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें। छोटा जान को भी तो है, तो कहूँ पापा ना एक ठीक है। तलैया में तलैया पहले ही किया जाए भाई।
जो लड़कियां अपने आप को पापा की परी बोलती हैं, वो ये परिश्रम करके दिखाए हैं। ये देखो एसी कार में बैठने वालों, जरा ये देखो, ये होती है मेहनत। बहुत दूर से ये पाइप उठा उठा के खेतों तक ले जा रहे हैं। अपन आ गए हैं अपने गांव वाले घर में, तो चलो पीते हैं पानी, फिर निकलते हैं कुल पहाड़ की ओर। जो विदेशी तार हुआ का बाबू, बिना चाबी के खोल गो। ये हमारी देसी किचन।